दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में से एक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 बीते दिन मंगलवार 20 फरवरी को आयोजित किया गया। DPIFF 2024 इंडस्ट्री के तमाम सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और नयनतारा इस शाम के चमकते सितारे बनकर उभरे। दोनों सितारों ने एटली निर्देशित फिल्म जवान में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अपने नाम किया। संदीप रेड्डी वांगा को उनकी फिल्म एनिमल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के खिताब से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में रणबीर कपूर अहम भूमिका में थे। एनिमल ने दुनिया भर में 900 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई है। वहीं एनिमल के लिए बॉबी देओल को निगेटिव रोल के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म में बॉबी के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इसके अलावा अभिनेता विक्की कौशल को सैम बहादुर में अपने शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का खिताब मिला है। विक्की कौशल ने मेघना गुलजार निर्देशित सैम बहादुर में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनके अभिनय प्रदर्शन की हर किसी ने तारीफ की थी। बीती शाम हुए इस समारोह में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शामिल हुए। मशहूर हस्तियों ने अपनी बेहतरीन और एक से बढ़कर एक आउटफिट में रेड कारपेट की शोभा बढ़ाई। सितारों से सजी इस शाम में हर सितारा रेड कारपेट अपना जलवा बिखरता नजर आया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान, बॉबी देओल, शाहिद कपूर, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, नयनतारा समेत तमाम सितारों ने शिरकत की। इस शाम की सारी लाइमलाइट नयनतारा और शाहरुख ने लूट ली। सोशल मीडिया पर सितारों के लुक्स की जमकर तारीफ हो रही है।